गोरखपुर सांसद रवि किशन पटना पहुंचे और पहुंचते ही सांसद रवि किशन ने सीएम नीतीश कुमार को खूब सुनाया। कुंडली में उपचुनाव में जीत का दावा भी किया। रवि किशन ने कहा कि बीजेपी ही वहां भी जीत हासिल करेगी। उग्रवाद हम जात हम बिहार की माटी के जिसकर हम ऋणी है, जे बिहार हमरा के सुपरस्टार बनौले, वो बिहार के माटी के हम गोड़ छू के पहले तो प्रणाम करें। उग्रवाद हम जातनी उपचुनाव में जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी हमारे चिराग पासवान जी के जो समर्थन के साथ चुनाव लड़ रही, गुप्ता जी लड़ रहे हैं, वो सीट हम लोग जीत रहे हैं। महुआ में डाल थोड़ा दूर रहा हो, तब हम लोग वो सीट जीत रहे हैं और जीत बड़ी आसानी से है। देखा का हो कि बिहार अब देख ले लेस कि जब बिहार भारतीय जनता पार्टी के साथ नीतीश बाबू चलते थे तब का बिहार और अब के बिहार को बिहार ने देख लिया और बिहार की आंख खुल गई और अब पछता रहे हैं। और नीतीश बाबू जो गलती कहना वो नीतीश बाबू भी जान रहे हैं और बिहार उनकी गलती की सजा भुगत रहा है। कल सीटेड और बीटेड के अभ्यर्थियों ने वहां पर पथराव किया, कुर्सी फेंका फेंकी हुआ है सभा में नीतीश कुमार के कुडनी में, क्या कहेंगे उस पर? देखिए अब आरा के ही एक इतने बड़े सुनार, इतने बड़े थे बिजनेसमैन, उद्योगपति, यहाँ से सब पलायन कर रहा है। ये दौर फिर शुरू हो गया जो 80-90 में था। सारे बिजनेसमैन अब यहाँ से जाने लगे, बड़ा परिवार सब बिहार छोड़ के जाने लगा है। बिहार बिहार की स्थिति इतनी दयनीय होगी हम सोचे नहीं थे। एक टाइम पे लोग यहाँ आके बस रहा था, अब बिहार से सब लोग छोड़ के भाग रहा है। ये स्थिति इस बिहार की नहीं होनी चाहिए थी, ये बहुत दुखद है।